9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं, विवादित डायलॉग हटाने के भरोसे के बाद भी क्यों नहीं फिल्म आदि पुरुष पर थम रहा लोगों का आक्रोश और विवाद। विवादित फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ सड़क पर उतरे एसपी के कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। लखनऊ के हजरतगंज के अटल चौक पर जलाया पोस्टर, फिल्म पर बैन लगाने की मांग। सिनेमा हॉल के लखनऊ के टिकट काउंटर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग फिल्म देखने आ रहे लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आदि पुरुष न देखें। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने आदि पुरुष विवाद पर कहा, मुंतशिर बीजेपी का आदमी है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। फिल्म आदि पुरुष को लेकर साधु संतों का विरोध, निर्माता निर्देशकों के साथ साथ सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की मांग की है साधु संत समाज का। सबसे अधिक गुस्सा सेंसर बोर्ड पर निकला है। अयोध्या में आदि पुरुष को लेकर साधु संत दो धड़ों में बटे। महंत राजूदास का ने कहा, इस फिल्म में भगवान राम के अपमान जैसा कुछ नहीं। दूसरे धड़े ने सेंसर बोर्ड पर जताई नाराजगी। यूपी के उन्नाव में फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग के साथ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, भगवान राम को लेकर दिखाए गए दृश्यों पर जताई गहरी नाराजगी। मुंबई में करनी सेना के अध्यक्ष ने फिल्म डायरेक्टर को धमकी देने की खबर को बताया अफवाह। कहा, करनी सेना की तरफ से आदि पुरुष के मेकर्स को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी गई। पड़ोसी देश नेपाल में भी आदि पुरुष फिल्म को बैन करने की मांग, लोग जता रहे हैं विरोध। लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष के विरोध को लेकर सिनेमाघरों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लगातार विरोध के बाद थिएटर्स में तैनात किए गए पुलिसकर्मी। और आइए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से पर जो जारी है सियासत, उससे जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। यूसीसी को लेकर सियासत तेज। एबीपी न्यूज पर मौलाना अरशद मदनी के बयान का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, अल्पसंख्यकों को भी एतराज नहीं, फिर यूसीसी पर विवाद क्यों किया जा रहा है। यूसीसी पर एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, अगर ये लागू किया गया नतीजे अच्छे नहीं होंगे, पूरे देश को इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे हालात होंगे खराब, सुधरेंगे नहीं। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत के कानून को ही मानेंगे। धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड सरकार हुई सख्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में अब जबरन धर्मांतरण नहीं होने देंगे, रोकने के लिए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होगा। गीता प्रेस को मिले गांधी शांति पुरस्कार पर कांग्रेस में दरार, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। गीता प्रेस विवाद पर आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस नेताओं को लताड़ा। कहा, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, कुछ नेता बयान देकर सच करने की कोशिश करते रहते हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने को लेकर कांग्रेस ने जताया एतराज। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, गीता प्रेस को पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा है। गीता प्रेस विवाद को लेकर योगी का कांग्रेस पर हमला। कहा, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज गीता प्रेस को मिले सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। जयराम रमेश के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किया समर्थन। कहा, जयराम रमेश के बयान में ना कुछ जोड़ूंगा ना घटाऊंगा, जयराम ने सम्मान को गोडसे को इनाम देने जैसा बताया था। गीता प्रेस विवाद पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, खास वर्ग को लुभाने के लिए जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया, कांग्रेस की मानसिकता पाकिस्तानी, कांग्रेसियों को शर्मानी चाहिए। गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करने को लेकर मौर्य ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, विरोध करने वाले माफी के लायक नहीं, भारत की संस्कृति की जीवन रेखा है गीता प्रेस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।